स्टीफंस बोल्ट्समैन लॉ क्या कहता है? रूल नंबर वन, ये लॉ परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए लगाया गया इनिशियली। तो लॉ ये कहता है कि कोई भी बॉडी का अगर आपने टेम्परेचर टी कर दिया, गर्म कर दिया, तो अपने अंदर से वो एनर्जी को एमिट करेगी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, तो एमिसिव पावर तो उसकी होगी। तो वो कहते हैं मान लो आपके पास एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, आपने परफेक्टली ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर टी कर दिया, तो वो बॉडी अपने अंदर से एनर्जी को एमिट करेगी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ वो कितनी एनर्जी एमिट करेगी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया इज प्रोपोर्शनल टू उसका टेम्परेचर रेज टू पावर फोर, फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर, ये लॉ बताता है। उसने अपने नाम का कॉन्स्टेंट लगाया सिग्मा, सिग्मा की वैल्यू होती है 5.67 × 10⁻¹, याद करना बड़ा आसान है, 5, 6, 7 और 8 सीक्वेंस में है, ठीक। तो ये इसके कांस्टेंट की वैल्यू है। तो ये लॉ आप प्लीज बॉक्स में डाल लें, इसमें ये लॉ किसके लिए लगाया हुआ है, टोटल हीट एनर्जी एमिटेड बाय अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी, किसी बॉडी और बॉडी के लिए नहीं है, और बॉडी के लिए लगता है पर मैं मॉडिफाई करके लगवाऊंगा। तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए कितनी एनर्जी वो एमिट करेगी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। तो ये लॉ का फॉर्मूला क्लियर है सबको? देखो किरचॉफ आया, किरचॉफ ने लॉ बता दिया, खत्म। स्टीफन आया, उसने अपना लॉ बता दिया, खत्म। इतना ही है बस इसमें, इसके न्यूमेरिकल करेंगे सीधा। तो ये फॉर्मूला है। अब कभी कभी बुक्स में ऐसा यूज हो जाएगा, न्यूमेरिकल में ऐसा जरूरत पड़ सकती है आपको, लेकिन याद करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी वो आपको क्या कहेगा कि ये आपको क्या दे रहा है फॉर्मूला, एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। आपको हो सकता है वो बॉडी का एरिया दे दे, एरिया, तो आप इसको एरिया से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये यूनिट्स क्या बचे, एनर्जी पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि ये क्या चीज थी, एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया को एरिया से मल्टीप्लाई किया, तो क्या बच गया यहां पर, एनर्जी पर सेकेंड। इसको वो कभी कभी एच से रिप्रेजेंट करेगा, तो ये लिखा हुआ है एच इज इक्वल टू एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया इंटू एरिया, तो क्या बना, एनर्जी पर सेकेंड। तो लिख लेना वेयर एच इज इक्वल टू व्हाट, एनर्जी पर सेकेंड, जिसको पावर भी बोलते हैं, पावर भी लिख सकते हैं वो। तो ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा, पर याद करने की जरूरत नहीं है, जहां आपको एनर्जी पर सेकेंड चाहिए वहां एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, जहां एरिया से नहीं मल्टीप्लाई किया तो बाय डिफॉल्ट एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया हो जाएगा। ये भी क्लियर है यहां तक? अब वो कहता है कि इसके अंदर कोई भी बॉडी जिसका टेम्परेचर टी है वो अपने अंदर से हीट को क्या करेगी, एमिट करेगी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, एनर्जी बाहर फेंकेगी। अब वो पड़ी किस में होगी, या तो सराउंडिंग में पड़ी होगी या किसी एनक्लोज कंटेनर में पड़ी होगी। अब उसका भी तो कोई टेम्परेचर होगा सराउंडिंग का, टी नॉट। तो प्रीवॉस थ्योरी क्या कहती थी, कोई भी बॉडी अपने अंदर से हीट को फेंकती भी है और साइमल्टेनियसली हीट को लेती भी है। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी कोई भी बॉडी का अगर टेम्परेचर टी है तो बॉडी ने कितनी एनर्जी एमिट की पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, इतनी तो बार फेंक दी, लेकिन ली कितनी उसने, सिग्मा इंटू टी नॉट रेज टू पावर फोर, वेयर टी नॉट इज द टेम्परेचर ऑफ द एनक्लोज कंटेनर या सराउंडिंग जो भी है, इतनी उसे लेनी पड़ी। तो नेट बाहर कितनी गई, इनका सब्ट्रैक्शन, इतनी बाहर गई इतनी अंदर आ गई, तो नेट हीट बाहर कितनी गई, दोनों का सब्ट्रैक्शन। तो जिन क्वेश्चंस में सराउंडिंग भी गिवन होती है, ज्यादातर गिवन होता है सराउंडिंग, कोई बॉडी हमेशा आइसोलेशन में थोड़ा रह सकती है, सराउंडिंग में रहेगी, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया इज गिवन बाय सिग्मा इनटू टी की पावर 4 माइनस टी नॉट रेज टू पावर 4। ये फॉर्मूला बॉक्स में डाल लो, इंपॉर्टेंट है, यूज होगा। क्लियर है यहां तक? ठीक है फॉर्मूला। और लास्ट, अब मान लो आपकी बॉडी परफेक्टली ब्लैक बॉडी है ही नहीं, मान लो आपकी बॉडी परफेक्टली ब्लैक बॉडी नहीं है, तो फिर क्या करें, ये फॉर्मूले तो सारे परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए एप्लीकेबल है। तो यहां पर आ जाओ, एमिसिविटी क्या होती थी, किसी भी बॉडी की एमिसिव पावर बाय परफेक्टली ब्लैक बॉडी की एमिसिव पावर, क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैपिटल ई क्या होगा, स्मॉल ई बाय एप्सिलॉन, ये रहा एमिसिविटी। तो ई का फॉर्मूला क्या होता था परफेक्टली ब्लैक बॉडी का, कैपिटल ई क्या होता था, सिग्मा टी की पावर 4, तो कैपिटल ई की जगह पुट कर दिया स्मॉल ई बाय एप्सिलॉन एमिसिविटी, तो स्मॉल ई की वैल्यू क्या आगी, एमिसिविटी इनटू सिग्मा टी की पावर 4। तो यानी कि अगर आपकी बॉडी परफेक्टली ब्लैक बॉडी है फिर तो आप सिंपल यही फॉर्मूला यूज करें, अगर आपकी बॉडी परफेक्टली ब्लैक बॉडी है तो आप ये फॉर्मूला यूज करें, बात खत्म। पर अगर आपकी बॉडी परफेक्टली ब्लैक बॉडी नहीं है तो फिर आपको इस रिजल्ट को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसकी एमिसिविटी से,
तो ये रिजल्ट्स कैपिटल ई नहीं होगा, ये रिजल्ट स्मॉल ई होगा, क्योंकि मिसिव पावर किसी भी बॉडी का स्मॉल ई होता है, परफेक्टिव ब्लैक बॉडी का कैपिटल ई होता है, और इमिसिविटी परफेक्टिव ब्लैक बॉडी की वन होती है, तो इसको वन पुट करेंगे आंसर सेम आ जाएगा। तो ये रिजल्ट क्लियर है यहाँ तक। तो फॉर एनी बॉडी नीचे वाला फॉर्मूला, फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी ऊपर वाला फॉर्मूला, उसी तरीके से ये रिजल्ट है फॉर एनी बॉडी, ये ना स्मॉल ई करो प्लीज, करेक्शन है, फॉर एनी बॉडी यहां लिख लेना, फॉर एनी बॉडी एमिसिव पावर इसके इक्वल है, फॉर एनी बॉडी एमिसिव पावर इसके इक्वल है, क्योंकि परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए कैपिटल ई यूज होता है, फॉर एनी बॉडी के लिए स्मॉल ई, ये स्मॉल ई करना। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक,